अतिक्रमण की कार्यवाही, चलाए गए बुलडोजर के पंजे। व्यवसायियों और दुकानदारों के विरोध के बावजूद नारायण पटेल और नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र मोहन राठौर की उपस्थिति में 30 अगस्त के बाद में निर्णय करने का फैसला किया गया। नगर पंचायत नगरी क्षेत्र में अवैध सड़कों संरचना निर्माण कार्य तो रोड के निर्माण के साथ साथ नाली निर्माण कार्य होना है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण में जा रहा था। विधायक नारायण पटेल की उपस्थिति में नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमोहन के बाद निर्णय करने पर व्यापारियों की बात मानकर रक्षाबंधन तक 30 अगस्त के बाद अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही पर सहमत हो। आपकी भाई इतने वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, जो अतिक्रमण नहीं, हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे। और सबसे पहली बात, हमको नाली नहीं चाहिए आगे, हमने पहले भी इसके पहले भी बात सुनी। हाँ, एक सेकंड। हाँ, मैं कोई भी बात को क्लियर करना चाहूंगा, जो है आप बोलोगे नाली नहीं चाहिए, आपके कहने से नाली नहीं बनेगी तो रोड भी नहीं बनेगा। सुन लो, क्यों नहीं बन रहा है? ये कायाकल्प के अभियान के तहत रोड आया हुआ है, हमारे तरफ से नहीं है, ये विभाग से ही आया है। और उसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश है कि नाली बनाना अति आवश्यक और रोड भी बनेगा। और आप मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, अब ये ताबी भाई का पुराना मकान है, ठीक है, हम उसको तो नहीं तोड़ रहे ना, लेकिन अब ये मजीद भाई का मकान है। अब ये इतना आगे उनको भी मालूम है, आसिफ को मालूम नहीं है क्या कि अपना मकान कहाँ था? ये आपको मालूम नहीं है? नहीं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, नहीं नहीं पहले सुन लो, तुम अपन जो चाहेंगे आपके जो है ना, जो भी हुआ वो जो भी हुआ हो, मेरी बात को सुनो। आपके पास जो है, आपके पास जो कागज है वो ले करके आना, मेरी बात सुनो। अरे ये जो विधि अनुसार तुम्हारे पुराने कागज भी ले आओ, अभी के ले आओ, उसके बाद में फिर बात करेंगे। फिर बोलना मत कि 25 भाई, अभी तो सबसे पहले सुनो, आप छोटा से नहीं, अभी तो 30 तक आप रोको, उसके बाद हम लोग सब लोग बैठते हैं। सुन लो मेरे, सुन लो, हाँ, कि क्या मास्टर प्लान में नाली वगैरह है? और नाली भी भैया, रोड भी उसके बगैर बने गए, पैसे नाला है पीछे, ठीक है। तो एक काम है, उसका सीधा यहाँ झंझट करने के लिए 30 तारीख तक पेंडिंग रहेगा, हम बैठ के भी पीछे भी गंदगी हम सेंड करेंगे और आगे भी आप गंदगी सेंड कर देंगे। 30 तारीख तो हम कहाँ तक सेंड करेंगे? हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई गंदगी नहीं होती है भाई, हम देख रहे हैं, मेरी बात सुन, हमारे को मालूम है। विधायक साहब आप चलिए, पीछे नाला इतनी गंदी बदबू मारता है, आज हमको बदबू में सेंड करना पड़ता है। गंदगी होती है, एक मिनट, मेरी सुन लो, मोदी को मेरा लक्ष्य, भाई का लक्ष्य है कि सुंदर मोदी बना, हम भी सहयोग तैयार है ना, हाँ, उसमें हम पूर्ण तरह से सहयोगी हैं। और जितना फंड है मोदी में उतारूंगा, पहला ये प्राथमिकता है, एक बात, दूसरी थोड़ी बहुत क्या करना पड़ेगी, और तीसरी बात, 20 फीट आगे, 20 फीट, एक काम करो, 30 तारीख तक पेंडिंग, 30 तारीख बाद हम लोग आएंगे ना, बैठ के बात, बैठ के बात करेंगे, हम आएंगे, वो मास्टर प्लान उस राउंड, बिल्कुल सीएमओ का, सीएमओ का बना, 30 तारीख तक सब पेंडिंग रहे, तुम उसमें कलेक्टर साहब की कार्रवाई कर देते, तारीख तक पेंडिंग रहे, और जेडी साहब से भी बात करना पड़ेगा, इनको बोल दिया कि आपको निपटा देंगे हम, यदि आप तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं आएगी, मैं बैठा हूँ, मेरे लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, और शहर को स्वच्छ बनाना भी, दोनों भी करना। अपने दादा देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ी सी बात बनती, हाँ हाँ, काका जी थे, काका जी ने जब इधर बनवाया था तो हमको एक गाइडलाइन दे रही थी कि भैया यहाँ से इधर तुम बना लो, इसके इधर तो सब गवर्नमेंट की जगह, अब उधर सामने की दुकान है, पीछे की 4-4 फीट जगह छोटी, अब वो 4 फीट की नप्ती इधर होगी, इसीलिए सब नहीं, वो पीछे नाली बना दो ना, बीच में से जो 3 फीट कर लिया ना पीछे, तो नहीं वो तो हट जाएगा ना, जब ये इतने बड़े मकान हटा सकते हैं, आप ही पुराने रिकॉर्ड निकाल लेते हैं इनके, और तुम्हारे भी, चलो अभी अभी काम भी 30 तारीख के बाद बैठेंगे, राखी के बाद, राखी के बाद, राखी के बाद, राखी के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभी रोक दो विधायक साहब की, तुम अभी रोक दो, आपको भाई हम लगे तो हम कलेक्टर साहब पर हम सब लोग आपका सहयोग हम भी करेंगे, बाकी भाई हम चाहते हैं कि विकास हो, विधायक जी बोल रहे हैं, हाँ बस, नहीं हम भी चाहते हैं हमारा
मोहन भाई, मोहन भाई हम भी चाहते हैं हमारे मोहन भाई का नाम रहे और बाकी क्या है तोड़ देता है धंधा हमारा थोड़ा वो किसी धंधे की देन है। एक बोला विधायक जी जा रहे हैं वहाँ काम है बहुत सारे लोग काका जी खड़े थे रोड पर जीसीपी चल रहा है मैंने उनको बोला 5 किलोमीटर विधायक सब आ रहे लोकल नहीं माने उन्होंने ये सटन तोड़ दिया। देखो काका जी आप देखिए देखो काका जी नुकसान हो गया 2 से 4 लाख रुपए अंदर मार देखो आप अंदर आएंगे मेरा पापा आपसे ताल्लुक करूंगा कागज चलेंगे अरे देखो उधर उधर तोड़ो फोटो खींचो इनका मतलब क्या है तोड़ो मतलब कोई हम नए लोग आए बाहर से छत्तीसगढ़ से आए मतलब मेरी सुन लो मेरी सुन लो अरे मेरी सुन लो आपको तो सब मालूम सुन लो मुंजी बस्ती में सबको मालूम है अपन कौन है मेरी सुनो के लिए मध्य प्रदेश में कायाकल्प का क्या बड़ा फंड आया इस बार और अभी मैं 5 लाख रुपए और ला रहा हूँ।